ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो सब सभी का आपका एक बार फिर से आपके चैनल में बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है दोस्तों। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बुराई भी सुनना चाहते हैं। मतलब मैं इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य नहीं, अच्छा ही तो आप सब कुछ जानना ही चाहते हैं, पर कुछ बुरी बातें भी आपको जानना आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बुरी बातें अगर आप जान लेंगे तो मुझे ऐसा यकीन है कि शायद आप बहुत सी परेशानी से बच सकते हैं, और इन बुरी बातों को कोई अन्य व्यक्ति आपको बताए, आपको खुद को पता होना चाहिए कि इससे हम कैसे बच सकते हैं और इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं और उन पर हमें काम भी करना चाहिए। तो आज पूरे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी राशि की 5 बुरी बातें, जो बुरी बातें आपको जानने के बाद आपकी बहुत सारी परेशानियों का हल हो सकता है। अगर वर्तमान में आप कोई तकलीफ या परेशानी से गुजर रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं दोस्तों, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका शुल्क, उसका फीस लागू है दोस्तों। तो बात को थोड़ी सी आगे ले जाएं, 5 बुरी बातों में से सबसे पहले हम 5वें नंबर की बुरी बात की बात करते हैं, वो है दोस्तों भावनात्मक रूप से फैसले। अक्सर मैंने आपकी राशि के जातकों को देखा है कि वो भावनात्मक रूप से अपने उन फैसलों को ले लेते हैं और टेक्निकल चीज़ों को और भावनात्मक रूप के बाहर उन चीज़ों को नहीं सोच पाने की वजह से भविष्य में उन्हें कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है, और वर्तमान में शायद कोई आपकी राशि के जो जातक है उन्हें फेस भी करना पड़ रहा होगा। तो कोई भी फैसला भावनात्मक वे में न लिया जाए। भावनात्मक वे में केवल हम पक्ष को समझ सकते हैं, बातों को गंभीरता से समझ सकते हैं, पर निर्णय जब भी बात आए तब पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी नैतिकता के साथ हमें निर्णय लेना चाहिए। दूसरी बात को मैं बताऊं उससे पहले एक छोटा सा निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े, कमेंट्स में लिखे ओम नमः शिवाय, जय श्री शंभु, हर हर महादेव, और हवाएं तेज चल रही है लेकिन इनका भी आप आनंद लीजिए। तो दूसरी बात है बहुत जल्दी किसी पर यकीन कर लेना। आमतौर पर 10% ऐसे जातक हैं जो बहुत कम किसी पर जल्दी यकीन करता है, लेकिन 90% जातक ऐसे हैं जो बहुत कम वक्त में किसी पर भी यकीन कर लेता है। ये हर एक व्यक्ति के साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा। तो ऐसी सिचुएशन से थोड़ा बचें, विश्वास करने के लिए आप उनकी बातों को पूरा गंभीरता से सुने। जब आप उनकी बातों को सुनेंगे और अगर वो झूठ और छल कपट होगा तो वो खुद ही अपनी बातों में आपको संकेत दे देगा। बस शर्त यह है कि आपको चीज़ों को समझने की आवश्यकता है कि वो क्या कह रहा है, बातों को कैसे पलट रहा है। तो इस तरह से चीज़ों पर आप खुद बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तीसरी और मुख्य बातें हैं कि कई बार हमें लोग मैनिपुलेटेड कर देते हैं। मतलब मैनिपुलेटेड का मतलब यूँ कह दूँ मैं कि वो उनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपके कंधे पर बंदूक रख देते हैं, आपको पढ़ा देते हैं, सिखा देते हैं, और हम भी इतने भोले और सरल होते हैं कि हम उन्हें भी सही और सटीक मानकर कि हाँ ठीक कह रहे होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस बात को लेकर। तो ये जो एक तरीका है इसे बंद करें, आप अपने निर्णयागत में रहें, आप अपनी चीज़ों को ऑब्जर्व करें और वो बहुत सकारात्मक है। चौथा बात है आपकी अच्छाई का लोग हमेशा फायदा उठाते हैं, लेकिन आप अपनी अच्छाई करना मत छोड़ें और लोगों की मदद करते रहें। यही पांचवी बात थी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।